हेलो ब्रन, दिस इज सुमित कुमार और हमारे साथ आज हैं अनंत नारायण। और इस वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे लाइफ एट IIC बैंगलोर। ठीक है, ये हमारे स्टूडेंट रहे हैं 2021 में, तो मेहनत किए, अच्छा से रैंक लाए, इनका TFR में सिलेक्शन हुआ, IIC बैंगलोर में हुआ, बट इन्होंने IIC को चुना। क्यों चुना, सब कुछ हम लोग वीडियो में देखेंगे। और वहाँ पर इनका क्या अपना एक्सपीरियंस रहा, कैसा क्या पढ़ाई रहा, सारे कुछ मस्ती भरे अंदाज में। फर्स्ट ऑफ ऑल अनंत, कॉन्ग्रेचुलेशन एंड तुम्हारे इस 1 साल के लिए IIC में, थैंक यू सर, थैंक यू और सर सर। तुम्हारा 2 जगह जो सिलेक्शन हुआ था उसके लिए भी। तो आगे वीडियो स्टार्ट करें, पहला बात कैसे हो ये बताओ। सर सब बढ़िया है सर, तो सबकी दुआ है। बस चल, सब अच्छा चल रहा है। अभी घर आया हुआ था मैं कुछ देर, तो कुछ दिनों के लिए, तो वैसे सब कुछ सब सही है, बढ़िया सर। कितने दिनों के लिए घर आए हो? अभी सर प्लान तो मेरा वही 15-20 दिन का ही है। 15-20 अभी जाऊंगा, मई एंड तक मैं जाऊंगा, मई एंड तक मैं वापस कैंपस में जाऊंगा। तो वहाँ पर भी थोड़े अभी कोर्सेज, अभी समर कोर्सेज है थोड़े, तो वो भी करूँगा। तो मई एंड तक मैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो कैसा रहा 1 साल तुम्हारा IIC में? सर बहुत अच्छा ही रहा है सर। बहुत मतलब हाँ, थोड़ा सेकंड सेमेस्टर ऑब्वियसली स्ट्रेसफुल था, बट हाँ ओवरऑल जर्नी बहुत मतलब बहुत ही बहुत कुछ सीखा है सर। बहुत 1 साल में बहुत ज्यादा सीख लिया, मतलब अच्छा लग रहा है, बस खुश हूँ मैं। तो बहुत हाँ तुम्हारा कंटेंट, तुम्हारा जो था वो TFR में भी हुआ था, TFR में, इंटीग्रेटेड PhD में। तो हाँ जी तुमने TFR छोड़ के IIC चुना, हाँ इसका जी रीजन क्या था, व्हाई यू हैव चोजन दैट IIC? सर। रीजन मुझे यही लगा था उस टाइम, मतलब मेरा जो थॉट प्रोसेस उस टाइम यही था कि TIFR में स्टार्टिंग से आप देखेंगे, कोर्स वर्क भी देखेंगे, इट्स मोर अलाइन टुवर्ड्स पूरा एनालिसिस साइड। अल्जेब्रा को आप वैसे आपको मतलब नाम के लिए एक कोर्स है, उनका फुल सेमेस्टर दोनों ही है। तो मेरे को थोड़ा अपने अपने उसके लिए, कि उस टाइम बिल्कुल श्योर नहीं था कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है, क्योंकि मुझे पता था सब कुछ में, मुझे पढ़ना बिल्कुल बहुत पसंद आता था। तो उस डाइवर्सिटी इन द सेंस ऑफ लर्निंग, उसके लिए मैंने IIC चूज किया, क्योंकि फैकल्टी हर चीज बहुत चीजों में काम करते हैं, और कोर्स वर्क भी ऐसा है कि यू विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो चाहे तो मेंटल एनालिसिस करो, अल्जेब्रा साइड जाओ, सीखने के लिए हर चीज में मिलेगा। एंड अभी आई गेस अभी मतलब सिस्टम भी ऐसे ही चल रहा है रिसर्च में, कि इट्स बेटर जितना तुम अपने MSc में नॉलेज एक्यूमुलेट करोगे, सीखोगे, अंडरस्टैंड करोगे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आगे जाकर, वेदर यू चूज अल्जेब्रा एनालिसिस, बहुत बहुत बढ़िया, इम्पोर्टेंट है बहुत अभी। परफेक्ट जवाब दियो, बहुत परफेक्ट, रियली गुड। कभी रिग्रेट होता है TFR कैम नहीं गया कि खुश नहीं, हो? खुश हुआ सर, खुश हुआ बिल्कुल नहीं। अरे गजब। मतलब सर, मतलब हाँ मतलब वो भी अपने उसमें बहुत ही बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूट है, बट हाँ मैं खुश हूँ जहाँ पर वो सीख रहा हूँ, वही मेरे लिए बहुत कुछ। वाह बहुत बढ़िया। अब मेरे से बहुत स्टूडेंट पूछते हैं कि सर TFR अच्छा है कि IIC अच्छा है। मैं क्या बताऊं, मैं सोचा कि अच्छा चलो जवाब देता हूँ। ठीक है, तो जहाँ पर भी मैं जाओ कुछ होगा नहीं, जहाँ पर भी जाओ आपको सीखने को तो मिलेगा ही। तो सीखने वो को दोनों मिलेगा ही गुड डिसीजन, दोनों गुड डिसीजन है एक तरीके से। बहुत। अभी तक लगता है तुमने जूम ID हटाया नहीं, अनंत नारायण GS 2022 मैथ्स PhD ID। वाह सर ये बहुत तो ये बढ़िया, मेरा वो TIFR वाला ही था उस टाइम, उस चेंज ही नहीं किया अभी बहुत अच्छा। चेंज करना भी नहीं, लाइफ टाइम ही रखने दो। ठीक है ना, कि यादगार रहेगा, कि इमोशन रहेगा तुम्हारे साथ हमेशा। बहुत अच्छा। तो अपना कुछ बताओ वहां के बारे में, जो तुमको जब तुम पहली बार गए आफ्टर सर। फाइनल सिलेक्शन, और जो पहली बार तुमने नन्हे मुन्ने कदम से अपना शुरुआत किया IIC बैंगलोर में, पहला कदम पड़ा, क्या था वो टाइम, कैसा रहा हॉस्टल लाइफ, ये वो सब कुछ बताओ। तो अगस्त 2 हमारा सेमेस्टर स्टार्ट हुआ था, तो स्टार्टिंग के होते ना 2-3 दिन थोड़ा कैंपस मतलब वहां पर कोर्सेज स्टार्ट होने से पहले भी हम थोड़ा पे जल्दी आ गए थे। तो हॉस्टल में रहकर लोगों से बात कर थोड़ा घूमा, बैचमेट से मिला, तो काफी अच्छा लगा कि सब बहुत अच्छे थे। और तो सीनियर से मिले, सीनियर्स बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, मतलब सब लोग बिल्कुल अच्छी तरह बात करते हैं, सब डिस्कशंस होते हैं, बहुत अच्छा था स्टार्टिंग से ही। मतलब मेरा दिल आ गया था कि बहुत बढ़िया जगह है। फिर डिपार्टमेंट तो इंटरव्यू के टाइम देखा ही था, उस टाइम देख कर ही बहुत अच्छा लगा था।
और जब वहां पर हर दिन जाते हो तो पहले दिन हमारा वो लैब एक है, वो जो उसके जो नीचे सामने लैब है, हाँ नीचे जो लैब है, तो वहां पर वो होता है ना एक फिंगरप्रिंट वाला, उन्होंने कुछ करा था एंट्री के लिए, हाँ तो वो मतलब बहुत वो बहुत मुझे बहुत मतलब अभी बचकानी लग रही है मुझे बात बोलने में, मगर तब भी वो बहुत अच्छा मोमेंट लगा मुझे कि उस टाइम लगा कि हाँ आ गए हैं यहीं पर क्या ही क्या हम। क्या अच्छा मिला क्या मतलब मिला? उस टाइम लगा कि हम आ गए हैं इस इंस्टीट्यूट में, अच्छा मतलब ये हमारी जगह है बस, क्योंकि फिर स्टार्टिंग से ही बहुत ही मतलब घर जैसी फीलिंग आ गई थी, क्योंकि लोग बहुत अच्छे हैं, चाहे वो स्टाफ हो, प्रोफेसर हो, स्टूडेंट्स हो, सब बहुत बढ़िया है। तो यस, स्टार्टिंग से ही वो बहुत अच्छा लगा था। हमारे फिर कोर्सेज स्टार्ट हुए, तो कोर्सेज स्टार्ट हुए थे तो फिर मतलब प्रोफेसर्स भी बिल्कुल बहुत ही अच्छे थे स्टार्टिंग से ही, क्लासेस का अटेंड करने में खुद से अंदर हर दिन मोटिवेशन था कि अटेंड करके सीखना है, अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, एंड अच्छा रहा काफ़ी, क्योंकि आई वुड से सीनियर्स से भी बहुत अच्छे थे कि स्टार्टिंग से सबके साथ डिस्कशन, चाहे वो सुबह शाम हो, और सेमिनार्स भी हमारे प्राइम टाइम सेमिनार्स होते हैं तो वो अटेंड करता था मैं, रात को भी होते थे कुछ कुछ अटेंड करता था, और अच्छा लगता था स्टार्टिंग से कि बहुत बढ़िया जगह है, मतलब अच्छे हैं लोग सब, एंड ऑफकोर्स सीखने के लिए बहुत मिला। फर्स्ट सेमेस्टर से स्टार्ट किया हमारा टोपोलॉजी हो, और चाहे वो प्रोबेबिलिटी भी हो, प्रोबेबिलिटी में भी मुझे इंटरेस्ट बहुत अच्छा आ गया था, क्योंकि लगा नहीं था मुझे कि कभी इतना ध्यान से प्रोबेबिलिटी पढ़ा नहीं था, और फिर जब एक्चुअली पढ़ा और फिर अभी मेजर भी करा सेकेंड सेमेस्टर में, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है वो। एंड हाँ, फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत सीखा, प्रोफेसर से बहुत अच्छा इंटरेक्शन रहा पूरे टाइम फिर, और हाँ वो बहुत अच्छा था। सेकेंड सेमेस्टर स्टार्ट होते टाइम फिर अपना नए कोर्सेज आए जो मतलब हमने पहले देखे नहीं थे, फर्स्ट में तब भी थोड़ा हद तक चीज़ें मतलब सारी नहीं, कुछ कुछ चीज़ें देखी हुई थी, तो सेकेंड सेमेस्टर में ऑलमोस्ट सब कुछ नया ही था हमारे लिए, एंड फिर उसमें चाहे वो मेजर हो, चाहे वो फिर अपना मैनिफोल्ड्स हो, तो ये सब चीजें देखने में फिर लगा कि अब ये मैथ्स वो वाला आ रहा है, जहाँ पर हम बोलते हैं ना एक एक होता है मैथ्स जो हम बीएससी और एमएससी के स्टार्टिंग में करते थे, और फिर एक जो मैथ्स है जो हमें लगता है कि ये रिसर्च है, तो आई थिंक वो गैप बिल्कुल ब्रिज होते गया जैसे सेकेंड सेमेस्टर पास होते जा रहे हैं, थर्ड सेमेस्टर आएगा उसमें और फंक्शनल और वो सब आएगा पीडी, तो मतलब अब कुछ अभी सीनियर्स कुछ बोर्ड पे लिखते हैं तो समझ आता है कि क्या लिख रहे हैं, वो टर्मिनोलॉजीज हो गए, कॉन्सेप्ट हो गए, थोड़ा समझ आता है, पहले तो लगता था कि क्या लिख रहे हैं ये, क्या है ये सब, बट अब थोड़ा वो जितना पढ़ते रहेंगे वो और समझ आते जा रहा है, तो वो एक बहुत अच्छी चीज लगी मुझे, मेच्योरिटी बढ़ती जा रही है, मैथमेटिकल मेच्योरिटी, और वो एक चीज है। और हाँ स्ट्रेसफुल होता है सेकेंड सेमेस्टर, वो तो कहीं पर भी होगा, बट हाँ अच्छी तरह मैनेज हो गया, हाँ हो गया बस, तुम तो बोलते रहो, प्रिफर तुम्हारा सुनना मुझे बहुत पसंद आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तुम बस बोलते रहो, आज तुम्हारा आज दिन है, मुझे बहुत अच्छा तो लग रहा है। प्रोफेसर्स भी हमारे, जैसे मेजर हमें भराली सर ने पढ़ाया था, तो वो तो बिल्कुल मतलब वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेसर्स आई हैव एवर हैड, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी तरह उन्होंने समझाया चीजों को, तो मेजर में स्पेशली बहुत ज्यादा इंटरेस्ट बना मेरा, एंड उनके साथ भी डिस्कशंस होते थे जब भी मतलब, तो कभी मैं शाम को रुक जाता था उसकी, क्योंकि लैब में बैठ कर पढ़ लिया, लैब में एसी भी लग गए 3 4 नए, तो वहीं पर बैठ गए, वहीं पर पढ़ लिए बैठ कर, तो उनके साथ भी डिस्कशन होते थे जब वो कॉफी लेने जा रहे हैं या फिर कुछ तो रास्ते में बातें हो गई, तो वो बहुत मतलब सीखने के लिए बहुत ज्यादा मिला इस बार, बहुत ज्यादा सेकंड सेमेस्टर में बहुत सीखने के लिए मिला, और स्ट्रगल हुआ कोर्सेज में, ऑफकोर्स थोड़ा कोर्सेज में लगा कि ये बीच में लग रहा था कि कहाँ मैं ये कुछ गलत कर रहा हूँ, ये कुछ गलत कर रहा हूँ, बट अल्टीमेटली सीखने के लिए मिला, बहुत अच्छा अच्छा, गया सर। गुड 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 गुड। तो वो ये तो तुम्हारे कोर्स वर्क का हो गया, जो तुमने बोला कि एक नया डायमेंशन तुम्हें एक एक्सप्लोर हुआ, एक नए डायमेंशन में तुमने चीजों को देखा पहले का और इसमें। तो कुछ अंतर लगा तुम्हें? वेयर यू हैव डन योर बीएससी अनंत, कहाँ से तुम्हारे बीएससी है? वेंकटेश्वर कॉलेज डी, वैंकुडी। तो वैंकी कॉलेज और यहाँ, मतलब ऑफकोर्स वी कांट कंपेयर इट, बट ऑफ कोर्स एक थॉट प्रोसेस और एक वे ऑफ स्टडी में कुछ डिफरेंस लगा तुम्हें? कुछ कुछ लगा? सर एक तो आई वुड से मेन तो पीयर ग्रुप है, क्योंकि वेंकी में ये था कि अंडरस्टैंडेबली क्योंकि लोग बीएससी करने आते हैं डीयू से, देखो आईएसएस सीएमएस अगर बीएससी कर रहे हो यू आर इन्वेस्टेड, तो मैं करना है ये बहुत वो है, बट डीयू में बहुत लोग आते हैं जिनको थोड़े जॉब प्रोस्पेक्ट से भी आते हैं और कुछ अपना मे बी मैथ्स के बाद कुछ और ही करना चाहते हैं उनका वो, और अंडरस्टैंडेबली चेंज भी होता है लोगों का, क्योंकि लोग की एक्सपेक्टेशन जो होती है मैथ्स से कुछ का वो फुलफिल नहीं होता, कुछ को कुछ और ही लगता है, तो उस टाइम में जैसे मेरे बैच में थैंकफुली बहुत अच्छे लोग थे, चाहे वो प्रसन्ना हो, रिदोस, इमरान और
जय थी से, ये सब अच्छे, कुल तेरा पास अच्छा था काफी उस सेंस में, तो वो एक अच्छा तुम भी मेरी चीज अच्छे हो थे, गई। तुम भी अच्छे हनी थे। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारा तारीफ प्रत्येक मैं अच्छी, कर प्रत्येक देता हूँ। अच्छी चीज हो गई थी। और बाकी बस हाँ ये बोलूंगा, यहाँ पर लोगों को पता है कि उनको आगे जाकर मैथ्स में रिसर्च करना है, ये है सबको, सबको पता ही है चीज, सब उस माइंडसेट से ही आए हैं, सब वो सीखने के लिए आए हैं। वहां पर थोड़ा ज्यादा डाइवर्स पीयर ग्रुप्स था, तो डिस्कशन के लिए ऑब्वियसली उतना वो नहीं होता था कि मान लो ऐसा नहीं है कि शाम को कॉलेज में उठकर मैथ्स डिस्कस कर रहे हैं, वो सब उतना नहीं होता था। और ना ही सेमिनार्स और ये सब तो इतना मतलब इतने नहीं होते थे, मतलब इतने फोकस्ड जैसे यहाँ पर जो मतलब रेगुलरिटी है। यस, कहने का मतलब जो आप बताना चाह रहे हैं, अगर मैं इसको समझ पा रहा हूँ, तो रिसर्च माइंडसेट, एक रिसर्च राइट थॉट, वो थोड़ा राइट सा मिसिंग था। बाकी तो कोर्सेज वहां भी चल रहे थे, यहाँ भी चल रहे थे, बस एक रिसर्च माइंडसेट का जो गेम है कि एक एक मैथ्स के टूवर्ड्स डाउन, पूरा कंप्लीटली डाउन, कि भैया ये बड़ा ब्यूटीफुल है, बड़ा मजेदार है, इसको अच्छे से सीखो, वो थोड़ा सा मिसिंग था, राइट? दैट्स व्हाट आई थिंक। ये आप ही के कॉलेज ने, मेरे ख्याल लगता है कि लगभग ऑलमोस्ट अंडर ग्रेजुएट कॉलेज में ये, अनलेस अदरवाइज यू आर एट ISI, और जैसे आपने बताया CMI, इसको दो जगह हम लोग छोड़ दें तो थोड़ा। राइट, बाकी सब जगह वही है मतलब, और अंडरस्टैंडेबल भी है क्योंकि वहां पर लोग आते हैं, सब सबका रिसर्च माइंडसेट नहीं होता, सबको नहीं करना होता, और बिल्कुल इसलिए इसलिए वो थोड़ा डाइवर्स ज्यादा है वहां पर। तो यहाँ पर अपना पीयर ग्रुप मिलता है तो ऑब्वियसली डिस्कशंस करने में और मजे आते हैं, फिर अपने हर टाइम होते रहता है, तो हाँ इसलिए वो मेन डिफरेंस लगा मुझे। एंड बाकी ISC का इंफ्रास्ट्रक्चर इज अमेजिंग, प्रोफेसर बहुत अच्छे हैं। DU में भी मतलब मेरे कॉलेज के प्रोफेसर बहुत हेल्पफुल थे, उनसे भी बहुत मैंने सीखा है। बट वहाँ पर ये चीज़ है ना कि फैकल्टी मेंबर्स का जो नंबर ऑफ फैकल्टी है, तो पूरा एक मान लो एक डोमेन में काम कर रहे हैं, वो ऑब्वियसली ISC में बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू DU में किसी कॉलेज में। तो उस सेंस में द नंबर ऑफ प्रोफेसर यू कैन इंटरेक्ट विद टू अंडरस्टैंड समथिंग वो बढ़ जाता है। जैसे अगर मुझे कुछ चीज़ है मैं बहुत प्रोफेसर पूछ सकता हूँ जाकर कि सर मुझे ये समझना, मुझे ये समझना, तो उस चीज वो भी एक बहुत डिफरेंस है बैंकी और साइंस। यहाँ पर आप किसी भी प्रोफेसर के पास जा सकते हैं, भले वो कोर्स टीचर ले रहा हो या ना ले रहा हो, आप आराम से जाके हैप्पली सीख सकते हैं कहीं भी। गाड़ी यस यस गाड़ी से भी जा सकते हैं, सर प्लीज 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 ये बता दो प्रॉब्लम क्या है। हाँ बेटा, इसको ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना। अच्छा, बड़ा सब बहुत हेल्पफुल है, बहुत हेल्पफुल, बड़ा कूल कल्चर है, एकदम कूल बहुत कल्चर। कूल कल्चर है। राइट 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 एंड अभी प्रोफेसर भी हमारे यहाँ मतलब वही, हाँ जैसे आपने बोला कूल कल्चर इन द सेंस की मतलब प्रोफेसर से इंटरेक्ट, क्योंकि हमारे यहाँ हाँ सेमिनार से पहले वो भी होता है ना टी का हाइट, टी के लिए वो बुलाते हैं, तो उस टाइम भी सब प्रोफेसर खड़े रहते हैं, तो बहुत ही कलेक्टिव इन्वायरमेंट रखते हैं कि सब लोग साथ में ही है सब, तो वो एक बहुत अच्छी चीज लगती है मुझे यहाँ की। हाँ बहुत अच्छा रहता है, अपने जाइए सेमिनार में, अच्छे से समझिए, भले ऊपर से जा जी रहा हाँ हो, बट एक अच्छा लगता है कि भैया हो क्या रहा है, मजा राइट आएगा राइट कुछ। राइट गुड गुड। तो गए कभी सेमिनार वगैरह में? यस सर, और सेमिनार बिस्किट, अटेंड करें काफी, बिस्किट गुड सेमिनार डे तो का अटेंड। बिस्किट, हाँ जी हाँ राइट? जी एग्जैक्टली हाँ, गुड डे का बिस्किट वही बेस्ट, गुड डे का बिस्किट सेमिनार से पहले, और अभी कॉफी, बस कभी कॉफी या चाय, तो दो कॉफी और गुड डे का बिस्किट वही रहता था सेट सी मिलकर। और कभी कभी वो आइगन फंक्शन हो जाता है तो उस टाइम समोसा और ढोकला वो सब भी मिल जाता है, जलेबी, तो बहुत ठीक हाँ है, ठीक है, एंजॉय करो, एंजॉय करो, फिर ये लाइफ नहीं मिलेगा दोबारा, राइट? इसको एकदम खुल के जियो अच्छे से। चलो अब थोड़ा सा हॉस्टल लाइफ आते हैं, थोड़ा हॉस्टल के बारे में बताओ यार। ISC का हॉस्टल मेस बड़ा वर्ल्ड वाइज फेमस है, तो ये हमारा बताओ इसके। मेरा मेरा हॉस्टल है, मैं ए ब्लॉक में रहता हूँ, तो मेरा हॉस्टल थोड़ा इधर, हमारे दो हैं मतलब बहुत सारे हॉस्टल्स हैं, मगर इन PhD के लिए जनरली ए ब्लॉक या बी ब्लॉक में से कुछ मिलता है फर्स्ट ईयर में। सेकेंड ईयर में तुम तो NBH न्यू हॉस्टल जो है वहाँ पर जा सकते हो, शिफ्ट कर सकते हो, बट स्टार्टिंग में ए और बी में से जनरली मिलता है NPHD वालों को। तो मैं ए ब्लॉक में पर्सनली हूँ, मेरे बैचमेट्स मोस्टली ए ब्लॉक में, एक बी ब्लॉक में, तो हम वही था सर। ए ब्लॉक पे से ऐसा है कि जनरली MTech और PhD ऐसे टाइप के, और PhD के आपको स्टूडेंट्स मिलेंगे। तो मेरे सामने एक MTech के भैया रहते हैं, साइड में PhDs हैं, फिजिक्स में है, एक कंप्यूटेशनल टोपोलॉजी में PhD कर रहे हैं, तो उनसे मेरी बहुत डिस्कशंस होते हैं। तो जैसे एक कंप्यूटेशनल टोपोलॉजी में कर रहे हैं उनसे मैं अल्जेब्रा डिस्कस कर लेता हूँ, उनका उनका टोपोलॉजी में है काफी जनरल इंटरेस्ट है, आल्टो को भी उन्होंने अच्छा करा हुआ है, तो उनसे मेरा डिस्कशंस होते रहते हैं जो भी मैं पढ़ता हूँ उसके बारे में। तो मतलब ऐसा ही है सर, हॉस्टल भी ऐसा है कि मतलब इंजॉयमेंट भी पूरा होता है कि कभी कभी खाना बना दिया भैया ने सामने तो उनकी हेल्प कर दी, तो कभी कुछ उन्होंने बना लिया तो वो पूरा खाओ, और फिर कभी कभी डिस्कशंस भी आराम से होते थे। हाँ रूम में ही है रूम में उस बना लग दिया, रहा है। हाँ
वाह इंडक्शन वाह के उसमें खाना हाँ वावर बना, कभी कभी चिकन या हो गया, मटन हो गया, वो अरे बनाओ आराम से। और फिर वही कभी डिस्कशंस जो भैया के साथ चलते हैं वो, कभी हम वॉक पे चले गए, बैचमेट्स के साथ वॉक पे चले गए, तो वो बहुत चलता है, अच्छा, बहुत अच्छा है, बहुत मजेदार है। फुल एंड के जीरो, मेस, फुल के जीरो लाइफ। हाँ, और मेस में भी यही है। मेरा पहले एम एस था, दैट इज साउथ इंडियन वेज, तो वो वेजिटेरियन मैंने है। 6 7 महीने वहां पर था। और वो भी थोड़ा मतलब वो साउथ इंडियन स्टार्ट, क्योंकि मैं, मेरा एंसेस्टर पूरा साउथ इंडियन है, तो मैं मुझे स्टार्टिंग से ही कहाँ मैं से साउथ हो? इंडियन खाने साउथ इंडिया लगा। में कहाँ से हो आप? आपकी सर हिंदी देख के किसी को एंसेस्टर पता नहीं लगेगा कि आप कंप्लीट जैसे साउथ सर इंडियन। एक मैं एग्जैक्टली नहीं हुआ था, मगर मेरा पूरा जो एंसेस्टर वो है वो कांचीपुरम साइड से, कांचीपुरम तमिलनाडु, और सेलम, हाँ तमिलनाडु, तमिलनाडु का, हाँ यस कोई आपका आवाज देख के नहीं बोलेगा कि आप तमिलनाडु से, मतलब कुछ तमिल सीखे वहां का, कुछ रिस्पेक्ट किए अपने सिस्टर अरे लोगों सर को। सर खाना खाता हूँ उनका पूरा, मतलब उनके वो साउथ इंडिया में, एज ए फूडी में पूरा साउथ इंडियन हूँ, चाहे वो स्पाइसी खाना हो, रसम सादम हो, मेरा मैं जो मतलब जिस तरीके से जैसे अगर कोई खाने के लिए बोलते हैं तो सादम को जनरली, राइस को सादम बोलते हैं साउथ इंडिया में, तो हाँ सर, रसम भी हो गया, रसम बहुत अच्छा आइटम है फूड को पचाने के लिए, राइट? सम सादम तोकू, मेरा जो भी खाने के मामले में पूरा साउथ इंडिया में, मुझे जो चीज़ें पसंद है, मेरा कंफर्ट फूड पूरा साउथ पे है उसमें, तो बहुत हाँ बढ़िया। वो तो है चलो सर। कमिंग कमिंग बैक टू योर हॉस्टल, अब मेस में आप कुछ बता रहे थे, ए में थे आप, उसके बाद वहां फिर फिर वहां पर खाने का मामले बहुत अच्छा है, खाने के मामले में सब बहुत बढ़िया है, अच्छा खासे ऑप्शंस मिलते हैं, इवन इफ यू आर अ वेजिटेरियन, जस्ट सॉरी, इवन इफ यू आर अ नॉन वेजिटेरियन, नॉर्थ इंडियन जो साउथ इंडियन वेज में गया, तब भी तुम्हें ऑप्शंस अच्छे बहुत अच्छा खासे क्वालिटी, मिलते हैं। क्वालिटी बहुत अच्छा। नो डाउट, एंड नो फिर डाउट। अभी अभी मैं डी मेस में हूँ, दैट इज नॉर्थ इंडियन वेज, तो वहां पर भी सब अपना जो भी पनीर वनीर हो गया और चीजें जो पसंद है इंसान को, वो बहुत पराठे, अच्छी दिल्ली तरह, पराठे वाले दाल, फूड, दिल्ली की याद आ जाती होगी ना, दिल्ली के तुम्हारी यादें वहां पे। गुड यस सर, हाँ वो गुड, तो है, यस सर, वो हाँ, मतलब खाना के मामले में बहुत बढ़िया है, हॉस्टल के मामले में सब बढ़िया है, लोग बहुत बढ़िया है, तो यस अच्छी जगह, काफी अच्छी जगह। वो जब हॉस्टल आप गए तो कुछ हाँ आपको लगा कि जी थ्री थ्री इडियट का भी जो हॉस्टल था, और ये मैं जहां जा रहा हूँ लगभग कुछ हाँ सिमिलरिटी, राइट? जी रॉक्स, सर, पत्थर। हाँ यस सर, तो वही था, क्योंकि मैं बीएससी के टाइम में तो मेरा हॉस्टल का एक्सेस नहीं था, मैं मतलब घर से ही ट्रैवल करके जाता था, तो मेरे लिए भी नया एक्सपीरियंस था, कुछ लोग का जब वो सीधा स्कूल से आता था वो होता है, मेरे लिए थोड़ा लेट था, बट मजे उतने ही आ रहे हैं, मतलब उतना ही मैं मजे, इन द सेंस कि हाँ बैलेंस तो करना ही पड़ता है, ऑब्वियसली पढ़ाई को ज्यादा ऑब्वियसली फोकस देंगे वो तो है ही, बट हाँ थोड़ा अपने लिए जो थोड़ा अपनी टाइम होता है उसमें इंजॉय करने के लिए बहुत सही है, मतलब अच्छा है सब, बहुत बढ़िया है, लोग बहुत बढ़िया है, तो बहुत ही, जैसे एक अगर तुम्हारे बहुत कोर्स वर्क का स्ट्रेस है तो किसी सीनियर के साथ किसी और चीज के बारे में डिस्कशन कर लिया, किसी और डायरेक्शन में, कुछ मैथ्स के मैं बताता हूँ कि कुछ ऐसी कुछ रैंडम क्वेश्चन दिमाग में आया, उनके साथ खुलकर ऐसे बात कर ली, तो वो सब चीजें भी चलती रहती है, तो इट्स गुड बहुत बढ़िया, कि अपने आप को भी तुम अच्छी तरह सोच पाते हो और कोर्स वर्क भी बैलेंस करना है। बहुत बढ़िया आनंद। मैं तुम्हारी बातें सुन के ना मैं इतना खुश हो रहा हूँ ना, मुझे इतना खुशी मिल रहा है, मैं क्या बोलूँ यार, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। अभी कुछ ही दिन पहले उससे बात हुआ था, प्रसन्ना से, उसका मतलब एक बार उसने फोटो भेजा था, मतलब मैं डर गया था उसका लुक देख के, मतलब फिर उसने लास्ट में बोला कि नहीं सर ये एडिटेड है, मतलब लंबे लंबे बाल ये। हाँ यस मैं सोचा भाई क्या हाल है, ठीक है सब, मतलब नहीं क्या सोचेंगे कि बच्चा कहीं हाथ से गया तो नहीं, नहीं वही सर, सोचो कि भाई वहाँ तुम पर लोग। वो उस लेवल का स्ट्रेस भी उतना ही है ना, तो हाँ वो अच्छी तरह मैनेज कर लेगा, तो कर ही रहा है और फिर हो ही जाएगा, हाँ वो थोड़ा आइस आई अलग हो जाता है यार वो। उनका उसका कोर्स वर्क में स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, तो वो मैनेज करना भी अपने में भी बहुत वो है, तो बहुत बड़ी बात है वो बोल रहा था वो कि तो है। प्रसन्ना भी थर्ड सेमेस्टर में समझेगा कि मैं क्या किया वो जितना पीछे का देखोगे उस टाइम पता चलते रहेगा क्या क्या हुआ है, तो हूँ। ये क्योंकि पहले 1 साल तो ऐसे भाग जाता है, बिल्कुल पता ही नहीं चलता, बिल्कुल पता नहीं चलता, क्योंकि कैसा लगा तुमको आनंद, वो जब तुम्हारा हो रहा था या फार्म में हो गया, तुम्हारे दोस्त का नहीं हुआ, मतलब प्रसन्ना का एग्जाम भी उसका बेचारे का बहुत अच्छा नहीं गया था, क्या था वो फीलिंग तुम्हारे लिए, अपने दोस्त के लिए? जी थोड़ा बुरा लगता है, तो मतलब उससे बात भी काफी होती थी, तो अब लगेगा ही सर, क्योंकि अपना बहुत बहुत अच्छा क्लोज दोस्त है, और उसकी वजह से मैं बोलूंगा कि बहुत चीजें मैं उससे सीखता हूँ, और उसने भी आपके बारे में बताया था, तो वो तो मैं बहुत ज्यादा वो करता हूँ उसको, वो तो है ही,
क्योंकि उससे तो मैंने बहुत ज्यादा सीखा और एक तरीके से एक लो की इंस्पिरेशन भी बंदा है मेरे लिए। तो हाँ वो थोड़ा लगता है, बट पता था कि कर ले, तो उसका मुझे पता है वो कर लेता है। वो उसका है कि बीच में हो सकता है कि एक दो हिकअप्स आएंगे बट पूरा मैनेज कर लेते, वो कभी उस कभी चीज में जब बहुत। इस टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं, मान लो जैसे आप तो नहीं, बट लेकिन आपके फ्रेंड जैसे कि और भी थे, उस दौर से गुजरे, नहीं हो पाया जाए किसी कारण से, नहीं हो पाया, एक और एग्जाम दिया, फेल कर गया, कहीं ना कहीं मनोबल टूट जाता है। तो उन सिचुएशन में वैसे स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए? फिर वही मतलब होता तो बहुत टफ है ये, क्योंकि मेरे केस में मैं उसमें बहुत लकी हूँ कि एक जगह तो मेरा हो गया था, तो इसलिए मुझे इतना वो नहीं था। बट हाँ मैं अंडरस्टैंडेबली बहुत ज्यादा लगता ही है कि तुम पूरा तरह मेहनत करते होते महीने और फिर साल, कुछ लोग साल से भी करते हैं, और फिर अपने पूरा रिस्पेक्ट करते सब्जेक्ट को, और अगर नहीं होता तो थोड़ा लगता ही है। बट हाँ बस एक चीज ये होती है सर कि करना तो है ही। अब इफ यू हैव गिवन इतना टाइम टू समथिंग, जब तक चीज एंड रोड एंड तक तुम पहुंचते नहीं तब तक रुकने का कुछ पॉइंट नहीं बनता बीच में। अगर तुम अभी 80% पे रुक जाओगे तो वो 20% जो तुमने नहीं किया वो आगे चलेगा। तो मैं इस केस में तो बोलता हूँ बिल्कुल ऑल इन चले जाओ। अगर तुम्हें बिल्कुल कुछ चीज चाहिए तो पूरा जान डाल दो, ठोक दो और बिल्कुल उस पर पड़ जाओ बिल्कुल। तो मैं तो बिल्कुल ये मानता हूँ कि ऑल इन जाना बहुत नेसेसरी है अगर तुम्हें कुछ चीज चाहिए और अगर रिजल्ट्स नहीं आ रहे तो। एंड मोटिवेशन मिलना वो सिर्फ अंदर से ही बहुत चीजें होती हैं, जितना भी मोटिवेशन वीडियोस देख लो वो सब होता ही है, वो हेल्प करती है, बट अंदर से होना बहुत जरूरी है। और अंदर से अपने आप को, मे बी अपने जो तुम जिन लोगों के साथ रह रहे हो उन लोगों को भी उस टाइम में बहुत मैटर, दोस्त हो गए वो उस टाइम में तुम्हारे साथ कैसे हैं वो बहुत मैटर करते हैं। अगर वो ही सपोर्टिव नहीं होंगे तो आदमी का मतलब इंसान का और मनोबल टूट ही जाएगा। तो डीमोटिवेट डूम बट डीमोटिवेट हो ये जाता। तो बट अगर पेरेंट्स सपोर्टिव है, दोस्त सपोर्टिव है तो बहुत इट गोज अलोंग वे, मतलब बहुत हेल्प करता है। और फिर उससे उस टाइम लगता है कि अपने उससे भी कर लेंगे, अंदर से ही आता है। तो वो है एक चीज, यस वो बहुत बढ़िया, अंदर से ही बहुत आना चाहिए। बहुत बढ़िया। थोड़ा और तुम बताओ, ऐसा कुछ नया चीज जो तुम वहां देखे और तुम आएगा शॉक ऐसे में, क्या तुमको लगा? चाहे वो मैथ हो सकता है या तुम्हारा कुछ कुछ भी चीजें हो सकती है जो तुमको अंदरूनी बहुत खुशी दिया कि यार मजा आ गया। सर वो वही जो जब आए थे स्टार्टिंग में तो इंटरव्यू के टाइम में भी देखे थे, बोर्ड्स बहुत जगह लगे रहते हैं। मैं अपने डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ, तो बोर्ड्स बहुत जगह लगे रहते हैं, बाहर से बोर्ड देखा था, बाहर भी एक बोर्ड लगा हुआ है बहुत बड़ा सा। अब अंदर जाकर देखा हर एक फ्लोर में बहुत जगह बोर्ड लगे हुए हैं, बीच में हर जगह ही है। तो वो देखकर लग रहा था भाई यहाँ पर लोग, और हर चीज में लिखा भी हुआ है कुछ 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 चीज कर रहा है, कभी कॉफी पी रहे सेमिनार से पहले तो वहां पर डिस्कशन चल रहे हैं। तो वो बहुत ही मतलब उसको देखकर बहुत खुशी हुई थी, और वो मैंने नहीं देखा था, ऐसे कुछ मैंने नहीं देखा था कि इतना ज्यादा मतलब लव फॉर अ सब्जेक्ट वो मैंने उतने एक्सटेंड तक नहीं देखा था। तो वो मुझे बहुत देखकर इंटरेस्टिंग लगा था, बहुत अच्छा लगा कि सब बिल्कुल अपनी बिल्कुल सब लोग हैं, सबको पता है कि अपना सब्जेक्ट है और सब लोग अपना उससे बिल्कुल टाइम दे रहे हैं, जब टाइम देना दे रहे हैं और अच्छा खासा टाइम दे रहे हैं, तो वो बहुत अच्छा था। बहुत बढ़िया। सो अब थोड़ा सा आते हैं बैकग्राउंड पे। ओ, फैमिली लोग आए, लाए घुमाने, दिखाए कैंपस वगैरह मम्मी पापा जी को, पूरा क्या ये सर, जब रहा उन लोग का मैं जब रिएक्शन? बहुत अच्छा लगा सर, उनको बहुत ज्यादा अच्छा लगा, बहुत ही क्योंकि आई आई कैंपस तो बहुत सुंदर है, तो उनको डिपार्टमेंट देखकर ही बहुत खुशी हुई। तो मुझे देखकर और अच्छा लग रहा था कि चलो पेरेंट्स को तो और उससे ज्यादा अच्छा क्या ही चाहिए। तो वो बहुत अच्छा लगा मुझे देखकर, उनको भी बहुत अच्छा लगा, प्राउड लगा बहुत बिंग सन। यही हैप्पीनेस देना है हमेशा पेरेंट्स लोग को, ठीक है, हमेशा की तरह, ठीक है। और वैसे ही करते रहो, मैथ्स करते रहो, जी मैथ जॉब सीख रहे हो वहां पे, और मेरे ख्याल से उसके लिए कुछ इंट्रोडक्शन देने की जरूरत है नहीं। आई मीन दैट्स नीड्स नो इंट्रोडक्शन, IIC बैंगलोर। और आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, और अच्छा करो, और नॉलेज लो जितना नॉलेज ले सकते हो, अभी जितना अच्छे से बेसिक तरीके से सीख सकते हो, एट द एंड आपके पेपर में वही दिखेगा। जब आप पेपर वगैरह पब्लिश करोगे आज से 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 4 साल के बाद, वो क्वालिटी दिखेगा, और वो क्वालिटी देख के मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ओके, आई फील प्राउड, मैं भी बहुत प्राउड हूँ आप पे। डे वन से, जिस दिन से आप यहाँ पढ़े थे, उस दिन से मुझे ये था कि मैथमेटिशियन तो है ही, क्वालिटी तो है ही मैथमेटिशियन की, बस वो चीज
बिकना चाहिए अबाउट, समझ में आए? यस ओके, और उसको काम करते रहना है, और यस मैं पीछे हमेशा हूँ, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है? बट मेरी जरूरत पड़ेगी नहीं, वहाँ पे और नहीं बहुत नहीं अच्छे लोग हैं जो तुम्हें हर कदम पे साथ देने के लिए हैं, ठीक है? वो तो है सर, आप हैं वो ही बहुत बड़ा मोटिवेशन है ही हम दोनों के लिए भी, जाके मतलब प्रसन्ना के लिए मिलने की, आप जैसे कितने मतलब हैं हमारे टीचर हमारे लिए हैं, तो वो बहुत ज्यादा अच्छा अलग मोटिवेशन होता है हमारे लिए, क्योंकि आपने हमें स्टार्टिंग से कराई है, आपने बहुत चीजें कराई है, और वो तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, माय फ्रेंड। तो यस थैंक यू। अरे आगे बढ़ो, देखो तुम लोग में पोटेंशियल था, जो है सो है, मेहनत किया तुम लोगों ने, मेरा डायरेक्शन था, ओके? लेकिन जो है मेहनत, स्टूडेंट्स अगर करेगा हार्डवर्क, तो हर टीचर चाहेगा कोई अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाए, हर। और बाय द वे, मतलब ऐसा कभी होता है, कभी कभी कुछ फैमिली कंडीशन हो जाते हैं ऐसे स्टूडेंट्स के साथ, कभी हेल्थ इश्यूज हो जाता है, कि वो चाह के भी कभी कभी थोड़े से पीछे हटना पड़ता है। लेकिन कहा जाता है कि एक कदम पीछे हटाओगे तो लंबा छलांग मारोगे, तो अगर मेहनत करोगे अच्छा अच्छा होगा ही, जैसा आपने बताया, देर ना सवेर, यू हैव टू गिव एवरीथिंग, यू हैव टू गिव एवरीथिंग। ऐसा नहीं कि राइट एक नाव, एक पैर इस नाव में, एक एक पैर इस नाव में, फिर भैया आगे जाके तुम वही जाओगे, अपने भी जाओगे, नाव को भी डुबाओगे। इसलिए बेटर है सर, कि गिव योर 100%, जो भी कर रहे हो दो, उसमें छोड़ दो बाकी चीजें, वो सब। तुम्हारा फाइनल मैसेज क्या है स्टूडेंट्स लोगों के लिए? बस मैं वही बोलूंगा कि अभी मतलब जिन लोग का भी आई गेस इंटरव्यू का टाइम भी है, बहुत लोग के लिए अभी आएगा, कॉल भी आएंगे बहुत ज्यादा, तो वही उस सेंस में तो मैं यही बोलूंगा कि अभी बिल्कुल आराम से शांति से बिल्कुल जो तुमने करा है अभी तक उस पे बिल्कुल डट के रहो, और कॉन्फिडेंस से वो चीज समझो, और क्योंकि बहुत कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा मैटर करेगा इंटरव्यूज जो आएंगे उसमें भी, तो कॉन्फिडेंटली जो तुम्हें पता है, अगर गलती करते हो तो एडमिट करो, और अगर गलती करते हो तो अपने स्ट्राइड में लो, उसको ये मत सोचो कि ये तो मुझे फिर मैं क्या कर रहा हूँ, ये ऐसे नहीं, तो अगर गलती करिए एक्सेप्ट करो और उसको इम्प्रूव करो उसको, और बाकी मैं ये बोलूंगा कि बस अपना लगे रहो और सब्जेक्ट को रिस्पेक्ट करो, लव फॉर द सब्जेक्ट इज वन थिंग, रिस्पेक्टिंग द सब्जेक्ट इज अनदर, रिस्पेक्टिंग के लिए तुम्हें टाइम देना पड़ेगा उतना ही, और अगर तुम सब्जेक्ट रिस्पेक्ट करो तो वापस सीधे मिलेगा, बहुत रिस्पेक्ट बढ़िया बेटा, करना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा अनंत, बहुत अच्छा लगा। एंड आई होप जो स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और इनसे सीखिए। इनका पहले भी दो तीन वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं बहुत कुछ, और जिनको और भी मैथ्स से रिलेटेड चीजें होंगी, मेल कर सकते हैं Noble Forum 05 पे। बाकी अनंत, विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, बहुत सारा, थैंक ढेर सारी तुम्हारी फ्यूचर में कामयाबी हो। कभी कभी उसमें प्रॉब्लम्स भी आएंगी, बहुत भयानक आएंगी, प्रॉब्लम आप कर रहे हो नहीं बनेगा, पेशेंस रखना, ओके? पेशेंस रखना, सब होगा, और मुझे पता है कि तुम दोनों बहुत पेशेंट, करते जाओ इसको एकदम मस्ती से, ठीक है? बाकी टेंशन नहीं लेने का, मैं हूँ एकदम साथ में, ठीक है? चलो बाकी स्टूडेंट्स मस्त रहो एकदम, ठीक है? मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? अनंत टेक केयर, बाय।